एवरीवन एंड वेलकम टू वॉ कॉर्नर। टाइटल देख के आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। वैसे तो ये रेसिपी हर कोई बना सकता है, लेकिन बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैम कुछ ऐसा बताओ जो हम बैचलर्स भी बना पाए, जो हम हॉस्टल में रहते हैं और हम लोग ना ये दाल चावल खा खा के बहुत बोर हो गए, कुछ नया बट इजी बनाना बताइए। तो मैंने बहुत सोचा कि ऐसी कौन सी रेसिपी हो सकती है जो बैचलर्स के लिए अच्छी भी हो, टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लेकर आ गई हूँ आटा उत्पम रेसिपी। तो बिना देर किए फटाफट से ये देख लेते हैं कि इस रेसिपी को बनाना कैसे है। लेट्स गो। तो आटा उत्पम बनाने के लिए हम लेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक बारीक कटा हुआ टमाटर, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 चम्मच दही, 1 चम्मच नमक, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग, ये ऑप्शनल है, मुझे इसका टेस्ट पसंद है इसलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ, आपको अगर नहीं यूज करना तो बिल्कुल मत करिए, और 1 सैशे इनो का, अगर आप डब्बे में से यूज कर रहे हैं तो आप 1 चम्मच इनो लीजिएगा। और मेन इंग्रेडिएंट हमारा है आटा, तो यहाँ मैंने 1 कटोरी आटा लिया है। तो चलिए इसकी अब हम लोग बैटर तैयार कर लेते हैं, कैसे बनाना है। हम आटे को अपने बोल में डाल लेंगे, मिक्सिंग बोल में। इसमें जीरा डाल देंगे, नमक डाल देंगे, हींग डाल देंगे, इनो डाल देंगे और ये दही भी डाल देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करना है। आप इसको अच्छे से मिक्स करें, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें। हमारा ये अच्छे से मिक्स हो गया है आटा और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ये देखिए ऐसे, ना बहुत ज्यादा थिक ना बहुत ज्यादा रनी। तो ये अब तैयार है, चलिए अब मैं आपको ये सेक के दिखाती हूँ कि इनको सेकना कैसे है। आइए इस पे हम बिल्कुल 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और हम यहाँ पे अपना ये उत्पम बैटर डाल देंगे, और आपको ये बैटर उत्पम जो है वो थोड़ा मोटा ही रखना है। इसके ऊपर अब हम प्याज डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे और फिर इसके कॉर्नर में थोड़ा सा घी डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे ऊपर से हल्की सी, दैट्स इट। और इसको अब हम ढक देंगे और इसको हम 1 मिनट तक फुल गैस पे पकाएंगे। 1 मिनट हो गया है, अब हम इसको हटाएंगे लिड को, ये बहुत अच्छे से पक गया है। अब इसको हम पलट देंगे, इसको हम फिर से ढक देंगे थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे और फिर 1 मिनट तक पकाएंगे। तो 1 मिनट हो गया है, अब हम इसकी लिड हटा देंगे और हमारा ये सिक्के एकदम से तैयार हो गया है, इसको हम 1 प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा बना है, इस बैटर से हमारे 4 उत्पम बन जाएंगे। तो फटाफट से हम बाकी के 4 भी सेक लेते हैं। हमारे उत्पम यहाँ बिल्कुल रेडी हो गए हैं और ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। मैं आपको इसका एक बाइट तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितने सॉफ्ट स्पॉन्जी हैं, पीछे से एकदम क्रंची और आगे से बिल्कुल सॉफ्ट। ये खाने में बहुत हेल्दी होते हैं, जितना ये इजी है उतना ही हेल्दी और टेस्टी भी है। अब आप इसको चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं और ये बहुत ही यम्मी लगता है। खाइए, बच्चों को खिलाइए और एंजॉय करिए। मैं भी एंजॉय करती हूँ अपनी फैमिली के साथ और आप बनाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए।
इजी है बनने में उतना ही ज्यादा टेस्टी है। और एक सीक्रेट बात बताऊं कि ये ना खाने में एकदम पिज्जा जैसा टेस्ट देता है। मैंने तो खाया तो मुझे तो बहुत मजा आया। तो आप लोग जाओ फटाफट से बिना देर किए दाल चावल को करो एक तरफ और बनाओ आटा उत्पम। और हाँ, अगर जितने भी ये बैचलर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, वो लोग जितने भी लोग बनाएंगे इसको प्लीज कमेंट करके जरूर बताना इसका टेस्ट भी, और हो सके तो पिक्चर भी शेयर करना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। ओके, मैं वेट करूंगी आप लोगों का। और हाँ, आप लोगों जैसे और भी बहुत सारे बैचलर हैं जिन लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच पाई है, तो आप इसको उन लोगों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और हाँ, खूब सारा शेयर तो करना ही है, साथ ही साथ वीडियो को खूब सारा लाइक भी करना है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आ गया है मेरा फोटो, इस पर क्लिक करो, रेड बटन को ग्रे करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मैं मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।